वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद डीएम की मौजूदगी में व्यास जी के तहखाने में पूजा संपन्न कराई गई। परिसर समेत काशी विश्वनाथ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले 7 दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले और उसके बाद हुए पूजन कार्यक्रम को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी है। उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे, इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। खुशी है कितने सालों बाद नहीं, बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कम्प्लायंस किया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए, उनका क्या कहना है सुनिए। आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित क्षण लग रहा है, हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो मानी कल का फैसला जो मानी डॉक्टर AK विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए, दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। बैरिगेटिंग काट के उधर दरवाजा बना दिया गया है ताकि व्यास जी के तहखाने तक दर्शन के लिए जा सके पब्लिक। तो आज माहौल बदला हुआ लग रहा था? हाँ, माहौल इस समय तो मतलब भीड़ कम है दर्शन के लिए। अब दिन में पता चलेगा माहौल कैसा है, पब्लिक का उत्साह क्या है, सब दिन में पता चलेगा। आप लोग उत्साहित हैं? जी बिल्कुल उत्साहित हैं हम लोग, एक एक पावदान हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का तो लक्ष्य है बाबा को मुक्ति करना, माँ श्रृंगार गौरी जिसके लिए हम लोग इतना मुकदमा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग, वो हमारे ज्ञानवापी मंदिर के अंदर है। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाए, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। गौरतलब है कि कोर्ट ने बुधवार 31 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने में पूजा पाठ कराने का अधिकार देने का निर्णय सुनाया था, जिसके बाद तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई और पूजा संपन्न की गई।